हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। आज की इस वीडियो में हम नेस्ले मिनरल वाटर का TDS चेक करेंगे। TDS मींस टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। अगर हमारे वाटर का TDS कम होगा तो हमारा वाटर बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली हमारी बॉडी को हाइड्रेट करेगा। तो हम नेस्ले मिनरल वाटर का TDS फाइंड करेंगे और उस TDS को हम अपने RO वाटर प्लांट के ऊपर सेट करेंगे। इस पर्पज़ के लिए हमने पोर्टेबल TDS मीटर को यूज़ करना है। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक गिलास के अंदर 200 ml तक रॉ वाटर को ले लेना है। दोस्तों, इसके बाद हमें पोर्टेबल TDS मीटर की ज़रूरत होगी। TDS मीटर को हमने ऑन करने के बाद इसकी पिन्स को पानी के अंदर 2 सेकंड के लिए डिप कर लेना है। दोस्तों, 2 सेकंड के बाद हमने होल्ड का बटन प्रेस करना है तो हमारा जो TDS मीटर है हमें 229 की रीडिंग शो करेगा रॉ वाटर की। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट सैम्पलिंग के लिए हमने 200 ml नेस्ले मिनरल वाटर को ग्लास के अंदर ले लेना है। दोस्तों, फिर हमने TDS मीटर को ऑन करना है और इसकी रीडिंग्स को 0 पर सेट करने के बाद हमने मिनरल वाटर के अंदर इसको डिप कर लेना है। और जब हम रीडिंग को होल्ड करेंगे तो हमें तकरीबन 155 से 54 तक की रीडिंग होल्ड होगी। दोस्तों, सबसे लास्ट में हमने RO वाटर का 200 ml सैंपल लेना है। TDS मीटर को हम ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद इसको हमने 2 सेकंड्स के लिए सैंपल के अंदर डिप करना है। जब इसको हम सैंपल के अंदर डिप करेंगे तो हमें इसकी रीडिंग शो हो जाएगी। दोस्तों, हमारा RO वाटर तकरीबन 180 से 182 के दरमियान की रीडिंग शो कर रहा है, जो कंपैरेटिवली हमारे पास नेस्ले मिनरल वाटर से तो ज़्यादा है, लेकिन टैप वाटर और RO वाटर से कम है। दोस्तों, इसके बाद हमने तीनों सैंपल्स की रीडिंग्स को एक पेज पर लिख लेना है और ये साफ जाहिर है कि नेस्ले मिनरल वाटर का TDS सबसे कम है और ये बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हमारा RO प्लांट 182 की TDS शो कर रहा था, तो जो हमें उसकी TDS है टारगेट 155 तक लेकर जानी होगी। दोस्तों, TDS को चेंज करने के लिए और इसको डिज़ायर्ड वैल्यू पर ले कर आने के लिए हमारे पास RO वाटर प्लांट के अंदर एक TDS मीटर लगा होता है, जिसकी हम डोजिंग कम या ज़्यादा करके TDS की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे सामने हमारे RO वाटर प्लांट का TDS मीटर है। हम इसके वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करके इसकी TDS पल्सेस को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिसके नतीजे में TDS मीटर पर हमें TDS भी कम या ज़्यादा होती दिखाई देगी। ये हमारे पास मिनरल टैंक है और रॉ वाटर की TDS हमें हमारे TDS मीटर पर शो हो रही है।